subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सिरसा के शहीद भगत सिंह स्टेडियम से चलकर मार्केट कमेटी तक किसानों का दल बिजली मंत्री उप मुख्यमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए भारी संख्या में पहुंचा। इस मौके पर मार्केट कमेटी के सामने प्रशासन भी भारी दल बल के साथ मौजूद था। पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसानों ने सरकार को चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि सरकार हमें आंदोलन को उग्र रूप करने पर मजबूर ना करे। हमें बताओ मंडी में कौन सी फसल की एमएसपी मिलती है या किसी भी फसल की एमएसपी नहीं मिलती है। आप पूरे देश के अंदर मंडियों के अंदर किसानों का रोष मारस है और इन सरकारों के पुतले फूंके जा रहे हैं। इन मंडियों के अंदर तुम को लूट कर रहे हो, किसानों की फसलें तो औने पौने दामों पर खरीदने का काम कर रहे हो। ये गुंडागर्दी अब हम नहीं चलने देंगे। प्रदर्शन किया जा रहा है कि एमएसपी के ऊपर खरीद की जाए, एमएसपी से कम के ऊपर कोई भी खरीद ना करे और देश के अंदर ये कानून बनाया जाए कि किसान का एक एक दाना जो है फसल का खरीद की गारंटी हो और एमएसपी से कम खरीदने वालों के ऊपर कानूनन सजा का प्रावधान किया जाए। इसको लेके आज पूरे देश के अंदर ये रोष प्रदर्शन किया गया और दुष्यंत चौटाला जी कह रहे थे एमएसपी से कम अगर किसी किसान को एमएसपी नहीं मिल रही है तो ये हमें जवाब भी दे। इसको लेके आज पूरे देश के अंदर ये रोष किया जा रहा है। सर किसान आता है फिर एक मशीन लाएंगे और उसको फसल के अंदर लगाएंगे और कहेंगे जी आपकी जो फसल है इसके अंदर जो नमी ज्यादा है ये ज्यादा है फलां दिन का काम करके और जो एमएसपी है वो उसको मिलता नहीं है किसान को। इसी को लेके हम रोज प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक तरफ तो तुम कह रहे हो कि एमएसपी मिल रहा है, दूसरी जब यहाँ किसान फसल लेके आ रहा है तो तुम उस फसल को उसके अंदर क्वालिटी को डाउन बताकर उसको वो एमएसपी दिया नहीं जा रहा है। सरकार भी एमएसपी नहीं दे रही है, प्राइवेट व्यापारी है वो भी उससे कम रेट के ऊपर खरीद रहा है। इसी को लेके आज पूरे देश के अंदर ये रोज मार्च किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री, हरियाणा प्रदेश के दलाल जी से चाहूंगा कि हमारे प्रदेश के अंदर 150 रुपए बाजरे का भाव रखा हुआ है वो आज 1500 रुपए रुक रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर 1880 रुपए 88 रुपए जीरी का भाव है जो आज सरसा की अनाज मंडी के अंदर 1400-1500 रुपए पर रुकी जा रही है। कपास की भाव है जो 1200-1500 रुपए के लगभग है वो 47-48 रुपए के लिए सरकार काम कर रही है। बाजरे की फसल है, इसी तरह से मक्के की फसल है जिसको कहता था हरियाणा के मुख्यमंत्री जीरी को छोड़ करके हमारा रोल केवल एमएसपी पर नहीं था, लागत के आधार पर फसल का रेट आयकर देने के लिए जो सरकार ने वोट दिए थे इस मुहिम के तहत ये हमारा डिप्टी सी एम के कल्याण क्षेत्र के अंदर तक ये किसानों की समस्याएँ नहीं सुलझाई जाएंगे तब तक किसान की समस्या की चाल लिया हमें किसान आए हैं। ये पूरी की पूरी केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार के ऊपर एक सवालिया निशान लगाने के लिए आए हैं कि ये बार बार मीडिया के माध्यम से झूठी खबरें जो चला रहे हैं ना कि हम एमएसपी के ऊपर फसल खरीद रहे हैं। ये पूरा किसान जो परिवार आया है ये इनसे जवाब मांगने आया है कि कौन सी फसल खरीद रहे हो, आप हमें जवाब तो दे दो क्योंकि सरकारी आंकड़े ये कह रहे हैं कि पिछले
20 साल में मात्र 6% फसल खरीदी है। अगर हम इसकी इनकी बात पर विश्वास कर लें, ये कहें तो हैं कि हम MSP पर ऊपर खरीद कर लेंगे, ये किसान जो है इनकी बात पर कैसे विश्वास कर ले, क्योंकि इनका जो पिछला जो 20 साल का रिकॉर्ड रहा है केवल झूठ बोलने का रहा है। और मेरा आप सबके माध्यम से निवेदन है कि सरकार किसानों को गुमराह करना छोड़ दे, अन्यथा ये आज तो पुतले भूखे हैं, ऐसा नहीं हो आपके घर स्नान खत्म। नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहे PV News के साथ।